हेलो फ्रेंड, दिस इज़ होंडा वालाज बाइक रिपेयरिंग सेंटर। आज हमारे पास सुजुकी एक्सेस है, जिसमें प्रॉब्लम ये है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसका पहिया व्हील नहीं घूमता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। चलिए बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद व्हील नहीं घूमता है। गाड़ी तो स्टार्ट रहती है लेकिन व्हील घूमता नहीं है, तो इसकी वजह क्या है हम आपको खोल के भी बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्लच कवर खोलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसकी हालत, ये इसका क्लच है, ये देखिए इसकी बेल्ट की हालत देखिए, बेल्ट पूरी टूट गई है, इसलिए इसका कनेक्शन पीछे वाले क्लच से टूट गया है। जब ये वेरिएटर घूमता है तो ये पीछे वाली पुली को बेल्ट की सहायता से घुमाती है। जब बेल्ट टूट जाती है तब ये तो कनेक्शन काम करता है, लेकिन ये जो पीछे वाला क्लच है ये नहीं घूम पाता है, इसलिए पीछे वाला व्हील भी नहीं घूम पाता है। तो ये बेल्ट हमने कंपनी से परचेज़ कर ली है, अब इसको फिट करेंगे। एक्सेस में बेल्ट कैसे फिट करते हैं बताते हैं हम आपको। बेल्ट डालने के लिए पुली खोलनी पड़ेगी हमें। ये पुली खोलेंगे तभी ये क्लच पूरा बाहर निकलेगा। उसके बाद फ्रंट वाला वेरिएटर खोलेंगे। ये वेरिएटर है इसका, ये वेरिएटर फैन और ये वेरिएटर प्लेट है और ये वेरिएटर रोलर है। इसके जो गोल वाले जो रोलर हम निकाल रहे हैं, ये वेरिएटर रोलर है, ये रोलर है सारे। ये पूरे को हमें साफ करना पड़ेगा ताकि सारा जो बेल्ट का कचरा है वो सारा बाहर निकलता है हवा मारने से। ये देखिए, ये सारे बेल्ट के टुकड़े हैं। इसके ये इसकी क्लच असेंबली है पीछे वाली, जिसमें क्लच के शू बैठते हैं। ये देखिए क्लच के शू है और ये क्लच की पुली है। ये जो बेल्ट है कैसे काम करती है, जब ये गाड़ी हम एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो ये पुली खुलती है। पुली खुलने के बाद ही हमारा पिकअप बनता है। ये देखिए पुली खुलती है, ये पुली खुल रही है, ये बेल्ट का काम होता है इसको खींच के खोलने का। पहले अब ये बेल्ट लगाते हैं, नई बेल्ट कैसे लगाते हैं ये देखिए। हमने पहले बड़ी पुली में बिठा लिया इसको, अब आगे वाला वेरिएटर लगा दिया। बेल्ट डालने के लिए इन दोनों को खोलना जरूरी है, इन दोनों के खोलने के बगैर बेल्ट नहीं डाल सकते। इधर बेल्ट तो डाली है हमने, इसकी किक भी थोड़ी हल्की सी जाम सी लगी है। हमने इसको भी फ्री करने के लिए इसको किक रेसिड को पूरा ग्रीसिंग कर दिया है। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें बेल्ट डाल दिया, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं जो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के लिए आई थी वो सही हुई है या नहीं। गाड़ी स्टार्ट किया हमने, अब देखिए इसका व्हील घूम रहा है।